वेलकम टू मुंबई, जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है, जहां लोग अपने छोटे छोटे बैग्स में बड़े बड़े सपने पैक करके लेके आते हैं। हाँ, ये वही माया नगरी है जो करोड़ों लोगों को ख्वाब दिखाती भी है और उन्हें पूरे भी करती है। व्हाइल वी वर ऑन आवर ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप, हमें मुंबई भी जाने का मौका मिला और हमने कम टाइम में काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स कवर किए। So we have said goodbye to Pune this morning and we're saying hello to Mumbai. Okay, so we are on our way to Mumbai and Mumbai is 80 kilometers from where I am currently. I started at 5:40 from my place और Pune से actually 2.5 hours का रास्ता दिखा रहा था in the morning Google Map. तो अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तो मैक्स हमको 3 hours लगेंगे टू रीच मुंबई। जो So I am at the Juhu beach and I found a shell but it has a crab in it. So I am at Juhu Chowpatty right now और हम यहाँ पे breakfast कर रहे हैं, एकदम typical Chowpatty वाला breakfast, पाव भाजी and भेल पूरी and पानी पूरी। तो this is the beach, Juhu Beach, not very clean but okay. क्या फर्क पड़ता है? Forget the mouth-watering pani puris of different styles, the pav bhaji, the bhel puri, and the cutting chai breakfast at Mumbai Juhu Beach. The Bandra Worli Sea Link और now we are headed to the Marine Drive, the Taj Hotel and the Gateway of India and the Dalal Street of course. So, हम कार में बैठे बैठे देखेंगे अंबानी का घर, वो हमारे रास्ते में ही आएगा। So I am right in front of the Taj Palace. Behind me is the Gateway of India. Wow. Oh,
in the city of dreams, Mumbai, and I'm at a very touristy spot, which is I don't know what this place is called. Taj Mahal bhi, the Taj Mahal Palace or the Gateway of Bombay साथ में देखते हैं. तो हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत मॉन्यूमेंट जिसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. गेटवे ऑफ इंडिया वाज डिजाइन्ड बाय वन ऑफ द ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स और इसका पहला स्टोन, इसकी फाउंडेशन का पहला स्टोन जो रखा गया था वो 1913 में रखा गया था. और अगर आप देखेंगे तो इसके आर्किटेक्चर में काफ़ी हद तक गुजराती आर्किटेक्चर के ग्लिम्प्स मिलते हैं. नेक्स्ट अप द दलाल स्ट्रीट और द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. वेट फॉर इट. मुझे ये जगह देखते ही सबसे पहले ये आइकॉनिक सॉन्ग याद आया था एंड आई एम होपिंग आपके साथ भी बिल्कुल यही हुआ होगा. हमें पता ही नहीं चला हम कब अंदर ही अंदर घूमते घूमते CST के पास भी पहुंच गए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी जगहें बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, काफ़ी क्लोज हैं. और आप स्पेशली अगर मॉर्निंग के टाइम पे आ रहे हैं जैसे कि हमारी ट्रिप थी, उस टाइम पे आप बहुत इजीली ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो. एंड इट्स फाइनली टाइम टू बिड एड्यू टू दिस मैजिकल ड्रीमी beautiful city and the skyscrapers. I wish मेरे पास और थोड़ा समय होता but अभी सफ़र बहुत लंबा है. इंदौर हमें आज पहुँचना है via नासिक, जिसकी details आपको मिलेंगी next Great Indian Road Trip के vlog में. I hope आपको ये vlog अच्छा लगा होगा और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. So I'll see you in the next vlog guys. Till then stay safe, stay inside. Bye bye.